प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापक हेमवती नंदन सिंह। आज हम सभी बसंत भाग तीन के अंतर्गत पाठ 12 सुदामा चरित नामक कविता या पद का जो अंतिम और सेकेंड लास्ट कह लीजिए लास्ट और जो सेकेंड लास्ट जो पद है उसका प्रसंग सहित जो है मैं व्याख्या करूँगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैसोई राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो, कैधो परयोग कहु मारग भूली, कि फैर के मैं अब द्वारिका आयो, भौन बिलोकिबे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कौ खोज न पायो। हाँ, तो इसमें इससे पहले वाला जो पद था उसमें आपने देखा और सुना कि भगवान श्री कृष्ण से जब विदा लेकर सुदामा आते हैं तो वो बहुत खिन्न रहते हैं और अफसोस जताते हैं कि भगवान या उनके मित्र ने उन्हें कुछ दिया नहीं, और सोचते हुए आते हैं कि कहाँ मैं चला आया। अपनी पत्नी के उलाहना या उन्हें बार बार कहने के बावजूद वो यहाँ आए थे लेकिन कुछ मिला नहीं उन्हें, और उनके मन में थोड़ा सा दुख था कि कृष्ण ने उन्हें कुछ दिया नहीं। लेकिन जो ही वो अपने गांव पहुँचते हैं तो वहाँ की स्थिति देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि मैं अपने गाँव आया हूँ या फिर मैं घूम के द्वारिका पहुँच गया हूँ, क्योंकि वहाँ की स्थिति जो है अब द्वारिका जैसी हो गई थी। वहाँ महल, हाथी घोड़े और वो राज्य, और उसके बाद से वहाँ की जनता का भी पोशाक जो है वैसे ही हो गया था जैसे भगवान श्री कृष्ण के वहाँ राज दरबार में था। तो देखिए अब वो उनके मन में क्या द्वंद्व चल रहा है। वैसोई राज समाज बने, इसका प्रसंग आप ये लिख सकते हैं कि नरोत्तम दास जी इस पद्यांश में कृष्ण सुदामा की मित्रता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब सुदामा अपने बाल मित्र कृष्ण से मिलकर वापस अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें अपना घर नहीं मिलता, और वहां की स्थिति देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अपना घर अर्थात झोपड़ी अपना ढूंढते हैं। लोगों से पूछते हैं मेरी झोपड़ी कहाँ है, यहाँ पर महल किसने बनवा लिया। देखिए पहली लाइन, वैसोई राज समाज बने, वैसोई यानी वैसे ही नरोत्तम दास जी कहते हैं कि जब सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलकर वापस अपने गांव आते हैं तो देखते हैं कि वैसो ही राज समाज बने, यानी द्वारिका जैसे ही राज्य और समाज, वहां का वातावरण, वहां के लोग उसी प्रकार से बने हुए हैं जैसे वहां थे, अर्थात सेम समान स्थिति यहां भी थी। झोपड़ी की जगह पे महल था और सभी जनता उनकी जो है संपन्न दिख रही थी, गाँव के सभी लोग संपन्न दिख रहे थे। अब देखिए, गज अर्थात हाथी, बाज घोड़ा, घने सघन या अधिक से होगा, यहाँ सघन घन का अर्थ होता है सघन से लेंगे लेकिन यहाँ पे अधिक से लेंगे। अब वहाँ पे अधिक अधिक संख्या में हाथी घोड़े और राज समाज देखकर क्या स्थिति होती है, मन संभ्रम छायो, उनके मन में जो है भ्रम छा जाता है, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। क्या दूसरे पंक्ति में देखिए, कैधो परयो कहु मारग भूली, कैधो कैधो का अर्थ होगा कहीं, परयो कहीं मैं मार्ग भूल कर, कहु मार्ग भूल, मार्ग का मतलब रास्ता, मार्ग यानी मार्ग या रास्ता, भूल का मतलब भूल कर, कैधो का मतलब कहीं। वो कहते हैं मन में विचार कर रहे हैं कि कहीं मैं रास्ता भटक कर भूल कर, कि फैर के मैं अब द्वारिका आयो, कहीं मैं रास्ता भटक कर फिर से द्वारिका तो नहीं आ गया, वो मन में संदेह कर रहे हैं। वो देखकर स्थिति आश्चर्यचकित है। तीसरी पंक्ति, भवन बिलोकिबे को मन लोचत, भवन यानी भवन, बिलोकिबे यानी देख कर को मन लोचत, उनका मन जो है आश्चर्यचकित है। भवन को देखकर उनका मन जो है आश्चर्यचकित है, और सोचत ही सब गांव मझायो, सोचत ही सब गांव मझायो,
गांव, मझायो का मतलब होता है कि मध्य में, बीच में। अब वो गांव के लोगों के मध्य जाकर अब वो सोच रहे हैं कि मैं अपने ही गांव में आया हूँ या पुनः द्वारिका चला आया हूँ। अब गांव के लोगों से मिलते हैं और पूछते हैं, देखिए क्या पूछते हैं, पूछत पांडे फिरे सब सो। अब वो पांडे जी अर्थात सुदामा गांव के लोगों से पूछते हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी मिलती नहीं है। पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब सुदामा आश्चर्यचकित होकर गांव के लोगों के बीच में जाकर पूछते हैं कि यहाँ मेरी झोपड़ी थी और जो इस समय दिखाई नहीं दे रही है, और यहाँ रातों रात किसने जो है महल बना लिया, मेरी झोपड़ी कहाँ गई। पूछने के बाद भी उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिलती है, ढूंढने के बाद भी उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं नहीं मिलती है। ये था सच्ची मित्रता और मित्र को विपत्ति में देखकर उसका सहयोग करने का प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने जो दिया था। अब अगली पंक्ति देखिए जो अंतिम है। हाँ, ये कै वह टूटी सी छानी हती, पहले मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ उसके बाद फिर इसकी व्याख्या। कै वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही न हती, पनही यानी जूता चप्पल, कहले गजराज ठाढ़े महावत, भूमि कठोर पर रात कटें कह कोमल सेज पर नींद न आवत, कै जुरतो नहीं कोदो समर प्रभु के परताप ते दाख न भावत। अब सुदामा को लोग यकीन दिलाते हैं कि ये आप ही का महल है और यहाँ गांव के सभी लोग संपन्न हो गए हैं, ये राज समाज जो है आश्चर्यचकित कर देने वाली स्थिति में जो है निर्मित हुआ है। ऐसे अचानक हम लोगों का गांव जो है क्या हो गया, महल में बदल गया। अब देखिए, अब कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले सुदामा की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है, उसका तुलनात्मक वर्णन जो है यहाँ पर नरोत्तम दास जी ने किया है कि पहले सुदामा की क्या स्थिति थी, भगवान श्री कृष्ण ने जब उनकी मदद की या उनकी कृपा जब उन पर हुई तो इनकी क्या स्थिति होती है, तो उसका तुलनात्मक वर्णन है। देखिए, इसका भी प्रसंग वही हो जाएगा कि नरोत्तम दास जी ने इस पद्यांश में कृष्ण सुदामा की मित्रता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुदामा बाल कृष्ण यानी बाल मित्र कृष्ण से मिलकर जब वापस पहुंचते हैं तो वहां की स्थिति देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि मेरे मित्र ने मेरा किस स्तर से या कहां किस प्रकार से जो है सहयोग किया है। देखिए, कै वह टूटी सी छानी हती, कै यानी कहां वह, कै वह कहां वह टूटी सी छानी, छानी का अर्थ छप्पर, कहाँ वो इनका टूटा हुआ छप्पर था, ठीक है, यानी पहले वो टूटे हुए छप्पर में रहते थे, घास फूस से बने वो हुआ जो छोटा सा उनकी छोटी सी झोपड़ी थी उसमें वो रहते थे परिवार सहित। अब क्या स्थिति है, कह कंचन के अब धाम सुहावत, अब कहाँ वो टूटी हुई झोपड़ी में रहते थे और अब कंचन यानी स्वर्ण सोना, अब कंचन के अब धाम सुहावत, अब जो है सोने के महल में, अब वो सोने के महल में रह रहे हैं, कहाँ वह छप्पर में रहते थे और कहाँ अब सोने के महल में वो निवास कर रहे हैं। यह है भगवान श्री कृष्ण का प्रताप। अगली पंक्ति, कै पग में पनही न हती, पनही यानी चप्पल या जूता आप कह सकते हैं। कहते हैं नरोत्तम दास जी कि कहाँ सुदामा को पैर में पहनने के लिए चप्पल या जूते तक नहीं थे, लेकिन अब क्या स्थिति है, कहले गजराज यानी गजराज हाथियों का राजा ठाढ़े महावत, महावत यानी हाथी को जो चलाते हैं हाँकते हैं उनकी देखरेख करते हैं महावत कहा जाता है, कहाँ उनके पैर में जो पनही अर्थात चप्पल या जूते नहीं थे पहले, और अब स्थिति यह है कि कहाँ अब उन्हें महल में प्रवेश अंदर ले जाने के लिए, दरवाजे से अंदर ले जाने के लिए अब गजराज महावत जो है गजराज को लिए हुए
खड़ा है कि महाराज सुदामा आए और हाथी पर विराजमान हो, उन्हें मैं महल तक ले जाऊं, अंदर तक ले जाऊं। इतने संपन्न हो गए हैं। अब देखिए तीसरी पंक्ति, भूमि कठोर पर रात कटे। और एक समय था कि कठोर भूमि पर ही वो सोते थे, उनकी रात्रि कहाँ कटती थी, जमीन पर लेटकर वो अपनी रात काटते थे, बिस्तर भी नहीं था बिछाने के लिए। कह कोमल सेज पर नींद न आवत, और कहाँ अब उन्हें कोमल सया पर नींद नहीं आ रही, यानी बिस्तर पर जो है उन्हें नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उनकी स्थिति थी कि वो जमीन पर ही सोते थे, अब जो है चारपाई या पलंग पर, वो भी कोमल सेज जो मुलायम तख्त के ऊपर जो है आप कह लें, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई कठिनाई ना हो, इस तरह का भोग विलास वाली स्थिति आ गई थी, राजाओं के समान जो स्थिति इनकी आ गई थी। अब उन कोमल सेज पर सया पर उन्हें जो है नींद नहीं आ रही है, एक समय था कि जमीन पर वो सोते थे। कै जुड़तो नहीं कोदो समा, कै जुड़तो यानी जुटता था यानी मिलता था, एक समय था कि कहाँ उन्हें कोदो और समा, ये एक तरह से कंदमूल है, कंदमूल जो बहुत पहले के समय में लोग खाया करते थे, कोदो शवा, जब अनाज नहीं होता था तो उसे जो है ज़मीन के अंदर बो के और उसे निकाल के खाते थे भून के, एक तरह से आप कह सकते हैं कंदमूल। कि कहाँ एक समय था कि सुदामा को वो कंदमूल भी नहीं मिलता था, ठीक है। अब स्थिति क्या है, प्रभु के प्रताप से दाख न भावा, और प्रभु के प्रताप से, प्रभु यानी श्री कृष्ण के प्रताप से या यश से अब उनको दाख, दाख का अर्थ होगा यहाँ पर अंगूर, अंगूर। तो यहाँ पर नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि कहाँ भगवान सुदामा जी को कोदो समा जैसे कंदमूल भी नहीं मिलते थे, और अब उन्हें अंगूर भी नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है, अंगूर भी उन्हें खाया नहीं जा रहा, ये स्थिति है कि अंगूर उनसे खाया नहीं जा रहा। तो यह सब जो है किसकी कृपा, यह सब प्रभु कृष्ण के प्रताप का प्रभाव है, उनके सहयोग का या उनकी कृपा का ही योग है। इस तरह से जो है ये पाठ 12 सुदामा चरित्र जिसे लिखा है नरोत्तम दास जी ने, ये आज समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर किसी को कोई समस्या होगी तो आप निःसंकोच पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान होगा। अगले क्लास में, यानी जब भी क्लास का समय होगा यानी सोमवार को, मैं जो है इसका शब्दार्थ और इसका प्रश्नोत्तर आपको भेजूंगा, उसे जो है आप अपने फेयर कॉपी में लिखिएगा। हालांकि शब्दार्थ जो है आपकी किताब में, पुस्तक में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।